तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रयागराज में बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला किया है। जी हां, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमबाजी की घटना से हड़कंप मच गया है और इस बार बीजेपी की महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर बम से जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की गाड़ी पर दो बम फेंके और इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें दो बाइक सवार कार पर बम फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक बाइक पर सवार हैं जो महिला नेता के बेटे पर बम फेंके हैं और आगे का जो हिस्सा है क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये घटना प्रयागराज के झूसी इलाके की आवास विकास कॉलोनी की है जहां बीजेपी महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर बम से हमला किया गया। बमबाजी की घटना के समय उनका बेटा और दोस्त गाड़ी में ही बैठे थे, लेकिन गमीनत ये रही कि इस हमले में उन्हें कोई चोट नहीं आई। और इस घटना का जो वीडियो ये सामने आया है उस कार में एक घर के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रही है, तभी सामने की ओर से दो बाइक सवार आते हैं और कार पर एक के बाद एक दो बम फेंक कर भाग जाते हैं। प्रयागराज में लगातार ये बमबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में 42 दिन बाद आज एक बार फिर ये बमबाजी का मामला सामने आया है। हाल ही में हुए प्रयागराज कांड में जहां पर प्रयागराज में सरेआम गोलियां चलाई गई थी, इसी बीच अभी एक नया हादसा सामने आया जहां प्रयागराज में बीजेपी नेता के बेटे पर ये जानलेवा हमला करने की कोशिश रही, लेकिन ये रहा कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और बम फेंकने के बाद दोनों बाइक सवार वहां से भाग गए।